नमस्कार, मैं सोनिया शर्मा और आप देख रहे हैं लोकल न्यूज ऑफ इंडिया, गांव की गूंज दिल्ली तक। आइए आज की तमाम खबरों पर डालते हैं एक नजर। पंजाब सरकार ने निजी अस्पतालों को वैक्सीन बेचने का फैसला लिया। वापस सरकार से खरीदे गए सारे टीके निजी अस्पतालों को वापस लौटाने होंगे। दिल्ली में पिछले 24 घंटे में कोरोना के मामले फिर बढ़े। 523 नए कोरोना केसेस, जबकि 50 लोगों की हुई मौत। वेतन बढ़ोतरी की मांग कर रहे हैं डॉक्टर। दिल्ली की अर्थव्यवस्था पर ध्यान रखते हुए सोमवार सुबह 10 बजे से रात 8 बजे तक खुलेंगे बाजार व मॉल ऑड इवन के आधार पर। DCGI से मिली वैक्सीन प्रोडक्शन की मंजूरी। IT गाइडलाइन फॉलो न करने पर IT मंत्रालय ने ट्विटर को तीसरा व फाइनल नोटिस जारी किया। दिल्ली में प्राइवेट सरकारी दफ्तरों में 50% लोगों को काम करने की दी गई अनुमति। कहा गया कि वर्क फ्रॉम होम को दे प्राथमिकता। श्रीनगर में लॉकडाउन का सख्ती से हो रहा है पालन। दिल्ली मेट्रो 50% सवारियों के साथ चालू हो रही है सोमवार से। दिल्ली सरकार जोर शोर से कर रही है कोरोना की तीसरी लहर की तैयारी। जम्मू कश्मीर में कोरोना के खिलाफ अनोखी पहल। कोरोना जैसे हेलमेट पहनकर लोगों को किया जागरूक। अरविंद केजरीवाल का कहना कि कोरोना की तीसरी वेव से पहले दिल्ली के लोगों को लगवा दी जाएगी वैक्सीन। कोरोना काल में लोगों की मदद करते दिखे सोनू सूद। धन्यवाद। इसी तरीके की तमाम खबरें सुनने के लिए जुड़े रहे लोकल न्यूज ऑफ इंडिया के साथ।